मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो नाम जपो नित तेरो तेरो हे प्रभु पार्श्व चिंतामणि मेरो। श्री प्रेम भुवन भानु जय घोष राजेंद्र जितेंद्र गुण रत्न श्री सद्गुरु व्यो नमः। प्रवचन प्रभावक श्री रश्मि रत्न सिरसा जी जापनिष्ठ श्री सैयद रत्न सिरसा जी मास्टर ना चरण में कोटि शह वंदना। तपस्विनी साध्वी जी श्री पुष्पलता श्री मानसे प्रवतनी साध्वी जी श्री पुण्य रेखा श्री मास्टर ना चरण में कोटि शह वंदना। सदन स्वभावी श्री गुणज्ञ रेखा श्री मास्टर परम पूज्य दक्षिका श्री मास्टर ना चरण में कोटि शह वंदना। चलो माई टर्न नाउ। एक लोनली एरिया पर घेरी निर्माण करते हुए एक पंचकर 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग बना रहा था। अपना खून पसीना एक करके वह एक एक इंच छान रहा था, सीमेंट को पानी पिला रहा था। फिर कोई और डिजाइनर आके उस घर को स्वर्ग का रूप देता है। ब्लू करते छत के नीचे भी आसमान खड़ा कर देता है। मम्मा पापा ही मेरे कंस्ट्रक्टर इंजीनियर डिजाइनर, उन्होंने कंस्ट्रक्टर कर मेरे को बंजर की तरह पढ़ा नहीं रखा, मेरे जीवन को भी डिजाइन किया। स्कूल के इक्वेशंस तो ट्यूशन टीचर सॉल्व करती थी और गाता तक खुद पढ़ाते थे। कॉलेज के लेक्चर्स तो ऑनलाइन पढ़ ले पर जी विचार के आए तो खुद ड्रॉ करके समझाते थे। सीएस का इंटर्नशिप तो ऐसे करा दिया पर गुरुकुल वास में एंट्री करा दी। जिन हाथों से मैगी पास्ता बनाया उन्हीं हाथों से एंगल का खाना भी खिलाया। वेट ये तो क्लाइमेक्स है। अब वो कंस्ट्रक्टर अपनी फ्लैट की चाबी ओनर के हाथ में यूं ही सौंप देता है, जैसे कुछ किया ही ना हो। बस पापा ने स्वीट सॉफ्ट स्मूथ लाइफ स्टाइल दी और मम्मा ने उसमें डेलिकेटली देव गुरु धर्म को उन्नत किया। और ब्रेवली उस कंस्ट्रक्टर पीस को ओनर के हाथ में सौंप दिया और पता है क्या कहा, गुरुदेव आप उसका स्वीकार करना, उसका योगक्षेम करना। जिन शासन की अलग श्रद्धा के पीछे उनके ममत्व का तो चकनाचूर हो गया, लेकिन फिर भी मेरी मेंटालिटी तो कितना मौज करना बाकी है ना, कितना एंजॉय करना बाकी अब तक, कितने जेट्स लाइक्स बाइक्स सब बाकी है ना अब तक। पर मेरे गुरु भगवान तो बड़े पक्के थे, मेरे को मेरी स्टाइल से पकड़ कर उन्होंने एक स्टोरी बोली। एक पत्नी थी, घर के दरवाजे के बाद बड़ा सा सब्जी का ठेला रखकर बोली, ओ जी आप बोलते हो ना कि मैं भूलक का नंबर बांधू, देखो आज मैं याद रखा की कला की बुक लेके आई, वो भी सिर्फ 400 रुपए में। बेचारा पति आईने से भी कुछ उठागा और भागकर कह गया, ए तू 2 महीने में 4th बुक खरीदी है, जा दरवाजे में देख। फिर एक गाथा आती इंद्र पराज शतक की, पवन मगो गए न मगो अली थयो हमाय भगवान ने जीवो ठना ठना मी समझो समुच्चय उन्नो धन सैनी संजय। गुरु भगवान ने कहा, ईशिका तू महारानी तो क्या राजरानी भी बन चुकी है, यू हैव बीन टू बोथ इंडिया एंड इंडोनेशिया, लेकिन हर बार उस पत्नी की तरह तू अनसैटिस्फाइड रही। चलो इस बार की बात कर लेते हैं। तू आज के फैशन ट्रेंड कल्चर में सबसे जुड़ चुकी है और देसी रंग में भी रंग चुकी है, उस पत्नी की तरह कौन सा भोग का स्वाद तेरे को अनचका है? बस एक योग का काम ही तो करना बाकी है। आनंद भव से विषय के पीछे कृष्णा की बहुत दौड़ लगाई, बस युक्ति की पापा बदली नहीं थी। राग के साधन तो पूरे भार थे,
बस अभी विराग तो विराग की बाहर लानी है। एंड इस बाजू लॉकडाउन ने तो संसार के तरह से लॉक कर दी, पर संयम ने तो कमिंग सून बोल दिया। ओ गुरु मैया कुछ ही दिना और मन तीजे तू इच्छे गुरु इच्छा ने अनुरूप बनू तारी सेवा ने काजे गुरु तारो परचाई बनी रहू। आप सब भी हमारे आवश्यक मन में जरूर मिलना, आपकी आशीष ही नहीं आपकी हाजिरी भी जरूरी है। आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मिलने आना, एज अ फेसबुक फ्रेंड नहीं फेस टू फेस वेलविशर बन के आना। गुरुदेव मोहरत देंगे, दादी आपके पोते का गृह प्रवेश होगा, निज घर में प्रभु का प्रवेश होगा, गुरु भगवंतों के साथ और संघ के साक्षी में। दादी आप चिंता मत करना, कोई फरियाद नहीं होगी, बस प्रभु की याद होगी। गुरुदेव आपकी कृपा से बहुत सही समझ आया, संसार तो बदो सब से डुप्लीकेट सयंती जीवन प्रभु से डेकोरेट। गुरुवर न चरमा करवो चे जीवन डेडिकेट, कर्म राजा ने करवो चे सेकंड मेट, एना माटे आपोले मने दीक्षा ने डेट। अपना उज्जवल वेश ने धरी, अपना उज्जवल वेश में भरी, अपना जीवो उज्जवल जीवन करिए। आ छे मनोरथ मारो सहयोग मनोरथ, आशीष वर्षानो पद मारो सहयोग।